हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। भटकल विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप जी यहां पहुंचे। देर रात टिकट आई थी और आप देख सकते हैं यहां विजय प्रताप को उम्मीदवार चुना गया है। तमाम समर्थक सुबह से ही पहुंच रहा है, आप देख सकते हैं समर्थकों की भीड़, आप देख सकते हैं लगातार पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस ने इस बार भरोसा जताया है, भटकल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं बात करेंगे और देख सकते हैं कितना समर्थन। विजय जी क्या कहना चाहेंगे, पार्टी ने भरोसा जताया? पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद है। और ये सब लोगों के भरोसे और प्यार की वजह से हो पाया। आज हम नामांकन भरेंगे और लोगों के बीच में अपनी विचारधारा लेके जाएंगे। विजय जी, लोगों ने मन बना लिया है, पहले से ही विजय बनाना है आपको? देखो, ये लोगों का आशीर्वाद है, हम तो उनका आशीर्वाद ही चाहते हैं। विजय जी, बीजेपी पार्टी ने एक नया उम्मीदवार उतारा है भटकल विधानसभा, हम जानते भी नहीं उन्हें। देखिए, जो नाराजगी थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है, सरकार के प्रति जो नाराजगी है, लेकिन भाजपा सरकार के प्रति पूरे हरियाणा में नाराजगी, न केवल भटकल फरीदाबाद में, और ये तो रहेगी रहेगी। फिर जी आप आ गए, जो मौजूदा विधायक टीम को हटाया गया तो काम नहीं हुए, लोग नाराज थे। देखिए, सरकार से नाराज है ये तो सबको दिख रहा है, पूरे फरीदाबाद की जो स्थिति आपके सामने है, और जो कांग्रेस के समय में किए हुए काम है वो लोगों को याद आ रहे हैं। उसी समय में फरीदाबाद नंबर वन बना था और अब भी पिछले 10 सालों में फरीदाबाद सबसे निचले पायदान पे, ये आप देख ही रहे। देख सकते हैं आप यहाँ भीड़, आप देख सकते हैं समर्थन लोगों का मिल रहा है और समर्थक भारी तादाद में यहाँ पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। बाबू जी, कौन जीत रहा है इस बार भटकल विधानसभा? विजय प्रताप। विजय प्रताप जी एक तरफा है जी? अच्छा, हाँ जी। कोई और? कोई नहीं, कोई नहीं है और कोई टक्कर में नहीं है। विजय प्रताप जी एक तरफा जीत रहे हैं। अच्छा। और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहुमत से आ रही है। कितने वोटर्स जीतेंगे? लगभग मेरे ख्याल लाख, 1 लाख वोटों के करीब कम से कम जीत होगी जी। एकदम पक्के है? पक्के, कंफर्म जी, बिल्कुल। विजय भाई का बहुत प्यार है जनता के प्रति। आप क्या कहेंगे? इस भीड़ को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है ये तो यहाँ ही जीत गए। अच्छा। हाँ, आगे तो अभी टाइम काफी है। अच्छा। ये जीतेंगे जहाँ तक। यही जीतेंगे जी यहाँ 100%। क्या कहेंगे इस बार? मेरा नाम शुभदार सत्तार है, भटकल विधानसभा से हूँ। इस बार जितने 90 विधानसभा से सबसे बड़ी लीड से जो है चौधरी विजय प्रताप जीतेंगे। जीत तो इनकी 100% निश्चित है, परंतु जीत को सब जो है 90 विधायक जो विधानसभा उसमें सबसे बड़ी जीत करनी है। पूरे जो है ना, जो अभी इनके सामने जो दिनेश अध्यक्ष का आया, ये जो 200 करोड़ का घोटाला है उसमें लिप्त थे, उस पर FIR हुई थी, और यहां से बाहरी भी है, सेक्टर 9 का भी है, जो डर के वजह से सीमा तक काटा था टिकट, अब उससे भी बड़ा मतलब जो है डैमेज उसका है। तो यहाँ से पब्लिक ने मांड बना लिया है कि इस बार चौधरी विजय प्रताप भटकल विधानसभा। देख सकते हैं आप, कह रहे हैं पब्लिक ने मन बना लिया है, इस बार विजय प्रताप जी जो है चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं भीड़, आप समर्थकों की देख सकते हैं। आपको बता दें बारिश का मौसम है और एक खास आयोजन भी यहाँ किया गया है, अभी बारिश के चलते रोक दिया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं आज नामांकन भरने जा रहे हैं, उससे पहले जो है समर्थकों को से थोड़ी बातचीत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं आप विजय प्रताप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस बार बड़ी जीत कह रहे हैं भटकल विधानसभा में देखने को मिलेगी कांग्रेस पार्टी की। अंगल जी क्या नाम है आपका? सतवीर भड़ाना। इस बार कौन जीत रहा भटकल? विजय प्रताप भाई जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, और कोई नहीं जीता ना? और कहीं कोई नंबर नौ कहीं भी? और भी तो कैंडिडेट हैं बीजेपी के। कैंडिडेट कौन लगे? अधलखा, जिसने 200 करोड़ रुपए के घोटाला का इल्जाम है उसके ऊपर। अच्छा। तो वो कैसे जीतेगा? अच्छा। और ये सब चीजें आप बताई जाएंगी पब्लिक के बीच में? तो बाबू जी काम कराते हैं? बाबू जी हर नहीं सदा काम कराए हैं जी भटकल विधानसभा में। बाबू जी ने कराए, विजय भाई ने कराए, सब ने कराए काम। हम जी आज भाई जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, और ये जीत का पर्व है, जो लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं विजय भाई के लिए, जीत निश्चित है। रात से ही समर्थक आए जा रहे हैं? समर्थक नहीं है ये, जो ना सब भाई हैं, सबका जो है भाई के साथ प्यार है, लगाव है, क्योंकि जो काम करते हैं, लोगों का मान रखते हैं, उनके साथ जनता रहती है। तो इस बार क्या बोल रहा है भटकल? भटकल बोल रहा है विजय भाई। देख सकते हैं आप यहाँ पर कह रहे हैं भटकल विजय प्रताप मांग रहा है, और
भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की, बारिश भी चालू हो गई है। आज नॉमिनेशन भरने जाएंगे, उससे पहले जो है थोड़ा मीटिंग करने के लिए आज अपने समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और भी दिखाएंगे आपको, विजय प्रताप जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं समर्थक आए जा रहे हैं और देख सकते हैं आप हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। है जी, फोटो आनी चाहिए मैं सबकी, फोटो तो आ जाएगी अंकल, आप क्या कहेंगे? क्या दो, विजय प्रताप को जिताएंगे हम तो। अच्छा हाँ, कितने मार्जिन से जीतेंगे? फुल मार्जिन 100 में 100। तो कोई और आई नहीं था, कोई आ ही नहीं सकता मैदान में, कोई भी नहीं आ सकता इसकी टक्कर में। चलिए, आप देख रहे थे सिटी न्यूज 100, नमस्कार।